हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने सुजुकी शोगर में इस टॉप बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें अपने सिर्फ मैंने टॉप बॉक्स का आपको लुक दिखाया था, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से टॉप बॉक्स इंस्टॉल करते हैं और कौन से नट बोल्ट आपको यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, और एक प्रॉब्लम आई अपने शोगर में, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देख रहे हो आप, अंदर की जो हेडलाइट वाला बल्ब है वो नीचे गिर गया, तो उसे भी हम ठीक करने वाले हैं। तो आपको बताऊंगा कि इसमें हेडलाइट एलईडी कैसे लगती है, वो भी बताऊंगा खोल के। हो सके तो वो दूसरे पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में आपको सिर्फ टॉप बॉक्स का इंस्टॉलिंग बताऊंगा और दूसरे पार्ट में इसका इंस्टॉलिंग बताऊँगा कि कैसे निकला और इसे किस तरह से इंस्टॉल करने वाले। और एक बात, अपना नया वाला चैनल एक खोल दिया मैंने, दूसरा वाला, जिसका नाम है मैड फॉर टू स्ट्रोक। तो उस चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और अपना पैर दिखाइए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता दें कि टॉप बॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉप बॉक्स के साथ आपको ऐसी वाली ब्रैकेट मिलती है जिसका हम यूज़ करके इस बॉक्स को फिट कर दें। और ये नट बोल्ट मैंने एक्स्ट्रा लाए हैं, इसके साथ जो नट बोल्ट आते हैं उसकी थोड़ी हाइट कम होती है, तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे वाले लंबे वाले नट लाना चाहिए और ऐसे वाइसर। ठीक है, इस नट बोल्ट को हम चार लाएँ तो चार नट बोल्ट यूज़ करेंगे इसमें, और इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से आता है। एलईडी भी हम इसमें इंस्टॉल किए हैं, वो भी बताया था मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में, तो उसकी भी वायरिंग मैं आपको बता दूँगा कि कौन से पार्ट का मैंने इसमें यूज़ किया है। तो पहले एलईडी की आपको वायरिंग बता देता हूँ कि किस तरह से हमने यूज़ किया। देखिए, सबसे पहले तो हमने एलईडी लगाई अंदर से, आपको दिख रहा होगा ये वाली एलईडी, और हमने अपने इसमें यूज़ किया है रियर ब्रेक स्विच, जो यामा का या किसी भी बाइक का ले सकते हो आप। ज़्यादातर यामा का लेंगे तो अच्छा रहेगा, फिटिंग अच्छी होती है यामा का। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे स्विच बैठा है रियर वाला। ठीक है, ये एलईडी की वायर है और ये रियर ब्रेक के स्विच की वायर है, इसे बैटरी कनेक्ट करेंगे। जैसे हम उस वाले स्विच का जो पिन होता है जहाँ पे स्प्रिंग बैठ जाए, वहाँ पे हमने इस डोरी का इस्तेमाल किया है। जैसे दरवाज़ा ये टोपन का बॉक्स का टोपन ऊपर जाएगा तो पिन खींचेगी तो लाइट लग जाएगी। ठीक है, इसे कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, दिमाग से हो जाता है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो चलिए ब्रैकेट बैठाते हैं और टॉप बॉक्स इंस्टॉल करते हैं। रहा ये मोटुल कॉइल यहाँ पे क्यों पड़ा है आपको बता देता हूँ। आज मैं पहली बार मोटुल टूटी यूज़ करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं देखिए ओमिना का जो ये वाला टूटी ऑयल यूज़ करता था। अब देखेंगे मोटुल यूज़ करके, क्विक स्टार्ट लो स्मोक लिखा हुआ इस पर। ठीक है, देखेंगे यूज़ करके क्या इफेक्ट पड़ता है और आप लोगों को भी बताएँगे। तो उसका प्राइस देखिए, आधा लीटर का प्राइस है 145 रुपीज़। ब्लर हो रहा है, 145 रुपीज़ इसका आधे लीटर का प्राइस है। और वो वाला जो आपको एक लीटर वाला दिख रहा है वो 130 रुपये में लीटर आता है, तो प्राइस का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो बहुत महंगा है आधा लीटर के हिसाब से, तो वो यूज़ करता हूँ मैं रेगुलर। देखेंगे अब ये यूज़ करेंगे आधा लीटर तो फ़र्क समझेगा हमको, कुछ फ़र्क पड़ता है। तो इस पर हम कंटिन्यू रहेंगे, नहींतर वही वाला अपना ठीक है। चलिए अभी इंस्टॉलिंग करते हैं टॉप बॉक्स की। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वाले नट को इस तरह से आपको बॉक्स में डाल के लेना है, चारों नट। देखिए, ठीक है, इस तरह से मैं चार नट को डाल दिया, यहाँ से नीचे आ रहे होंगे नट। ओके, तो इस चारों नट को डालेंगे नीचे से, और ब्रैकेट को बिठाना कैसे मैं आपको बताता हूँ पीछे बैक गार्ड पे। ओके, तो चलिए अभी ब्रैकेट को आपको बटाने का दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने टॉप बॉक्स को जो पीछे रखते हैं। तो ये रहा इसका ब्रैकेट।
आपको लगा दिया तो आगे जाएगा, उसके बाद तो अभी आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से ब्रैकेट को बिठा दिया मैंने। ओके, और नट ढीले रखें। अभी नट को सिर्फ जाम करेंगे और अपना टॉप बॉक्स सेंटर में लेके उसे कर देंगे फिक्स। ओके, तो चलिए बिठाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका लास्ट वाला लुक। तो फ्रेंड्स, फाइनली टॉप बॉक्स फिट हो जाएगा। आपने देख लिया कि किस तरह से फिट करना है। ठीक है, तो इस तरह से लुक आता है टॉप बॉक्स का, कुछ इधर से ऐसा। पीछे जो हमारा खाली हिस्सा रहता है उसे बहुत अच्छा कवर कर लेता है टॉप बॉक्स, जिसकी वजह से बाइक का लुक ओवरऑल कड़क दिखता है और शानदार दिखता है। तो बाइक अभी बहुत गंदी है, आप उसमें मत जाइए। देखिए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, क्योंकि मैं अभी थोड़ा राइड पे गया था, तो रोज़ ही चालू है राइड आना जाना। तो रनिंग हो रहा है गाड़ी का, अभी तक 1500 किलोमीटर हो चुके हैं इस पिस्टन पे। अभी तक उस पिस्टन की आवाज़ कम नहीं हुई। बहुत लोगों को पूछा तो कह रहे हैं 1000 किलोमीटर के बाद कम होना चाहिए, कोई कह रहा 1500 के बाद कम होना चाहिए, मगर अभी तक आवाज़ पिस्टन का कम हुआ नहीं है। ठीक है, जब कम होगा तो आपको बता दूँगा और सुना भी दूँगा। अभी जो आवाज़ आता था उतना ही चालू है रेगुलर, थोड़ा फ़र्क पड़ा है पहले के मामले में। देखते हैं कब जाएगा आवाज़, नहीं तो दूसरा वाला पिस्टन डालना पड़ेगा। ठीक, तो इसके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेडलाइट एलईडी किस तरह से बिठा दें और अपने हेडलाइट क्यों नीचे गिरे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो गई तो उसके लिए सॉरी, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट इस वीडियो के 2 दिन या 3 दिन के बाद डाल दूँगा एलईडी फिटिंग के ऊपर हेडलाइट में। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय, Stay tuned, peace, signing off, 2 stroke lover, 777 1. Boom.